इस बार ना कुछ अलग होने वाला है, ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 2 से 3 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ओके। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग, तो आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइज, बस लास्ट वाला ब्लॉग देखा आप लोगों ने, नहीं देखा? हेलो मैम, कैसे हैं? मैम बहुत प्यार करते हैं पेड़ पौधों से, सच में है ना? अच्छा लगता है आपको? अरे वेरी नाइस। तो गाइज बस आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सीधा जिम से। तो बस अभी थोड़ा सा वर्कआउट करवा रहे थे, थोड़ा टाइम लगा तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू करते हैं, बाकी लोग अभी वर्कआउट करें। तो आज का प्लान है हमारा ढालपुर जाने का। ढालपुर में जाकर थोड़ा दिखाते हैं आपको जो मेला लगने वाला दशहरे का, क्या क्या होने वाला, कुछ अलग होने वाला जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था। लेकिन मुझे भी अभी गए 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन आज जाकर देखूंगा कि कितनी तैयारियां हुई है और आप लोगों को दिखाते। तो बने रहना इस वीडियो में, पूरा देखना। और जो चैनल पर नए है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अपना रिंचन भाई देखो, ये अपना गोप्रो है ना, इसकी स्क्रीन गार्ड ले आया, क्योंकि मैं तो केयर नहीं कर रहा था ये, क्योंकि ये अपने पूरी चीज़ों की ना बहुत केयर करते, तो बोला भाई ऐसे नहीं रखना है। और सबसे पहले तो इन्होंने मुझे कल ये वाला सेल्फी स्टिक दिया गोप्रो का छोटा वाला, क्योंकि मेरे पास जो स्टिक थी वो बहुत बड़ी थी, तो आज ये लाए स्क्रीन गार्ड, ये देखो। तो गाइस आज हम लोग कर रहे हैं बैक का वर्क, बैक नहीं यार बाइसेप्स, बैक तो कर ली। आप लोग बोलोगे कि हर बार ही भाई डेली तो ब्लॉग में जितने भी बार वर्कआउट करता है बैक का ही वर्कआउट करता है, और सारे लोग यहाँ आए, आज मज़ा आ रहा ना? नैना मैम हेलो बोलो, हेलो ईशानी ने हाय बोला आपको, हाँ ईशानी ने हाय बोला है कि नैना मैम को भी लो, ब्लॉग में कहाँ है? आज सैटरडे है और जैसा कि आपको पता है कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो लोग बहुत कम आ रहे जिम पिछले 3-4 दिनों से। तो सैटरडे को भी हमारे पास ऐसा नहीं है, सैटरडे को अमूमन मैंने देखा है काफ़ी जिम में कि लोग कम आते हैं लेग्स के डर से, लेकिन अपने वहाँ पे अमूमन मुझे लगता है कि 90% जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो हफ्ते में 2 बार लेग्स करते हैं। पर गाइज जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया फटाफट आ जाओ, क्योंकि 24th को लास्ट डे है ऑफर्स का। तो गाइज आज का वर्कआउट अपना डन, खुद का भी हो गया, सबका वर्कआउट हो गया है खत्म। अब सब लोग साइकिल वाइकिल चलाएंगे, उसके बाद क्या करने वाले आज सब लोग? आज चीट डे यार, देखो कौन बोल रहा है। बस कल के ब्लॉग में भी मैं बताना चाहता हूँ, जो धाम खाने में गया था ना इन्होंने भी खाई है, सोचो पिछले 4-5 दिन से कभी केक कभी चीज केक, वाह शाबाश। आज जाने वाला हूँ ये चश्मा पहन के, यार दिल्ली में पहनना ना कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे मतलब अजीब सा लगता है, थोड़ा सा अजीब, लेकिन हम तो भाई पहनेंगे, ये हमारा स्टाइल है। चांदी वाला चश्मा बहुत फेमस है ये दिल्ली में, देखा होगा आपने। तो गाइज मैं इंतजार कर रहा हूँ रिंचन भाई का, वो भी अभी आने वाला है, तो उनसे बात हुई बस, उन्होंने कहा कि 2 से 3 मिनट में वो यहाँ पहुंचेंगे, तो हम आगे ना साथ में जाएंगे, क्योंकि एक साथ में जाएंगे तो और मजा आएगा। गाइज रिंचन भाई ने भी कॉलेज गेट के सामने पहुंचे, वो प्रॉपर कॉलेज वॉलेज दिखा रहे, गेट वेट दिखा रहे, फुल इन्फॉर्मेशन दे रहे। गाइज यहाँ पे कॉलेज गेट है, लड़कियों पूछ रहे ये क्या है, कॉलेज गेट है। तो देखो वर्कआउट खत्म करने के बाद आज का पूरा दिन साथ में निकलने वाला है, रिंचन भाई का भी ब्लॉग ब्लॉग शुरू हो गया गाइज। तो अपन लोग बस आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ से शुरू होने वाली है एंट्री, ये रहेगा अपना एंट्री पॉइंट। तो क्या कहना चाहते हो आप, कुछ और दिखा आपको कुछ स्पेशल नीचे? मतलब यहाँ से आगे कुछ बन रहा था ना, अच्छा पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है और मेरे बाकी यहाँ की रेडी कैसे देखेंगे। हाँ गाइज यार 1 से 2 दिन का और टाइम बचा हुआ है, और मुझे लगता है ये और भी तेज तैयारियां कर लेंगे। तो गाइज 2 खिलाड़ी मिल गए मुझे यहाँ पे, देखो सामने बॉडी दिखाओ तुम, ये टी शर्ट उतारने वाला अभी थोड़ी देर में, बस आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये कह रहा कि अंदर उतारूंगा, मैंने कहा अंदर नहीं भाई बाहर, कटिंग वटिंग दिखेगी। चलो तो गाइज ये अपनी जो मार्केट लगने वाली है यहाँ पे, अभी काफी कुछ होने वाला है, डिटेल में तो आप लोगों को दशहरा आने पर बताऊंगा, अभी तो बस ये तो गाइज बस थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, ट्रेलर है, ये ट्रेलर भी नहीं कह सकते, क्या कहते हैं उसको, टीजर
टीजर, हाँ सुनना चाहता था मैं, अगर ये नहीं बोलता ना तो इसकी फिल्में देखनी बंद। कहो यार इस बार ना कुछ अलग होने वाला है, ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले। जो मार्केट भी है वो कुछ दूसरे तरीके से लग रही है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 2 से 3 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। और तो आगे देखो क्या होता है। जैसे सुबह हमारे क्लाइंट आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जो फूड मार्केट है वो अलग से होने वाली है इस बार। लेकिन यार कुछ भी बोलो, जो नज़ारा यहाँ से दिख रहा है ना पहाड़ों में, ऐसी मार्केट का लगना, यानी ये देख लो आप कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बता दो। और गाइज अपने जितने भी लोग यहाँ पे, हम जल्दी मीटअप भी करने वाले हैं, जैसा कि सुन रहे भाई एक्साइटमेंट हाई लेवल पे है। तो जो क्या मैं, और देखो 7 के 7 दिन 7 वीडियोस और ऐसे जबरदस्त रहने वाले, एक चीज नहीं होने वाली है, हर एक वीडियो में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। क्या कहते हो भाई, मॉल से लेकर शॉपिंग मॉल तक। या आई थिंक यहाँ पे शायद फूड मार्केट हो सकती है, जहां तक मुझे लगता है। प्रदर्शनी ग्राउंड है ना ये? हाँ जी, यहाँ पे शॉप लगी है इस टाइप का। हाँ जैसे कि ये सामने दिख रहा हो ना गाइस, ये लग रही है सबसे पहली जैकेट की शॉप। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पैसे तो ये भाई कमाएंगे। आ जाओ सबसे पहले इनके पास ही चलते हैं आप, क्योंकि सबसे पहली शॉप हमें देखी है जो अपनी मॉल रोड कह सकते हैं इसे। हाँ जी भैया कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पासवान। कहाँ से भैया आप? सर लुधियाने से। लुधियाने से हो तो आप क्या सेल जैकेट सेल कर रहे हो? को भैया का धंधा अच्छा चलना चाहिए। भैया नाम बताया ना आपने, फिर से बता दो जनता को। मनोज पासवान। मनोज पासवान जी, ठीक है आ जाओ। ये सरोजनी वाली वीडियो देखी थी आप लोगों ने? नहीं देखी है, यहाँ पे देखो ऊपर लिंक आ रहा है ना, वहां पे जाके क्लिक करो और जाकर वीडियो देखो। सरोजनी मार्केट में जैसी वीडियो बनी थी वैसी सेम वीडियो इन 7 दिनों के अंदर 1 से 2 वीडियो आने वाली है। गाइस फुल मस्ती करने वाले, क्योंकि अभी मार्केट लगनी शुरू हुई है तो हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते। हेलो, हाय, हेलो हेलो, ओके नेम पंकज। और जो कपड़े मैं खरीदने वाला हूँ ना यहाँ से, आपको पता है कवाड़ी की कपड़े लेने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। इनको भी पता है, मेरे लिए भी यही ढूंढेंगे। हाँ तो बढ़िया बढ़िया कपड़े लेंगे, सस्ते मिलते हैं यहाँ पे 30-30 रुपए में। लेकिन जितना भी है ना गाइस अमेजिंग यार, मतलब आप इंजॉय करने वाले हो। अरे क्या नाम है आपका? नीतीश। नीतीश, अरे नीतीश यादव जी। नहीं चौहान। चौहान है। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी, आप सुनाइए। आप बढ़िया है दोनों? अरे भाई क्या बात है, क्या नाम है भाई आपका? मोनू। मोनू। अरे मोनू भाई हमारे, तो मोनू भाई कौन सी दुकान लगा रहे हो आप? हमारी ये 2 दुकानें लगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ किस चीज की दुकान लगा रहे हो? हमारा हैंडलूम का काम है, सोफे कवर वगैरह सब। सोफे कवर वगैरह भाई मुझे भी खरीदना है। कोई बात नहीं, जब बात होगी। चलो देखो ये भाई लोग अपने शर्मा गए थे, ये तो चले गए। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। ओके भाई बैंड ब्लॉग्स। तो देखो मोनू भाई ने भी सब्सक्राइब मार दिया चैनल। भाई कहाँ से है आपने बताया नहीं मोनू भाई? हम होशियारपुर से। होशियारपुर से हो? अरे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हम भी फॉलो करेंगे आपका। अरे करो करो बिल्कुल भाजी। तो चलो भाई ओके मोनू भाई, मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। आपको मिलेंगे आप अगले वीडियो में। हाँ तो गाइज यहाँ देखो, अभी देख रहे हो आप सारे कपड़े पैक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? बढ़िया जी बढ़िया। तो गाइज ये वाला पीस मुझे कुछ बढ़िया लग रहा है, तो चलो गाइज यार एक पीस तो ले लेते हैं, क्योंकि भैया से हमने इतनी मेहनत करवा दी तो अब एक पीस लेना तो बनता है। भाई एक पीस दे दो, कौन सा दोगे आप बताओ? बढ़िया सा ले लो भैया, जो आपने निकाला आपको जो अच्छा लगता हो वो ले जाओ। अच्छा जो आपको नहीं, बेस्ट हो आप बताओ कौन सा लेना चाहिए तीनों में से। ये वाला ले जाओ भैया। पक्का? पूरा 600 रुपए में हमने 2 लोअर खरीद लिए, यानी 300 रुपए में भाई ने, तो यानी 900 रुपए में। अरे मेरे पास तो कैश ही नहीं है, गूगल पे होगा। चलो गाइस ये मैंने 2 थैले ले लिए अभी कुछ दिन पहले, देखा था आपने मैंने सरोजनी में जाकर कपड़े खरीदे थे और ऑटो में ही भूल गया था सारे कपड़े भाई सच में। आज ही मार्केट लगी जी, मैंने इन्हीं से बोनी करी है। भाई के पहले कस्टमर हम हैं, और देख लो भाई का दशहरा इस बार जाएगा जबरदस्त। ठीक चलो 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 ठीक है ओके ओके ओके। हमारा मेला तो शुरू हो गया,
मेला यही होता कपड़े खरीदना। तो अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग होने वाले क्योंकि मैं जाने वाला हूँ सीधा और ये जाने वाले हैं मेरे लेफ्ट में। तो गाइस भाई जा रहे हैं घर की तरफ और मैं जा रहा हूँ जिम की तरफ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक या तो एक दिल दे दे, दिल हार्ड यार, हमको मोटिवेट मिलते हैं, समझे? ओके चलो फिर अगले ब्लॉग में चलो ठीक है ब्रो, बाय। ओके तो गाइस मैंने अभी अपने शेफ को कॉल की, वो आ रहे लेने मुझे स्कूटी पे। बाद आज बहुत सारा काम है क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे को ना हम पूरा जिम साफ करते हैं, तो जाकर जिम की साफ सफाई करनी है। लेकिन मैंने आज कैफे वाले स्टाफ को भी कहा है कि आप सब लोग आ जाना आज। तो उस्ताद जी तो आगे चले गए, उन्हें दिखा ही नहीं मैं सड़क पे। अभी कॉल की उन्हें, मैंने कहा वापिस आ जाओ ये देखो आप आगे कहाँ चले गए? हेलमेट कहाँ है आपका? सर इसने हेलमेट नहीं पहना है, पुलिस बैग में को मैं पूरी परमिशन देता हूँ कि इनका चालान काटा जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल। तेरे तुझे कैसे पता चला मैंने कैमरा ऑन किया है? भाई टैलेंट होता है भाई का। ये कोई टैलेंट की नाम की टैलेंट होता है ये? हैं? झोली देखो भाई, शीशे भाई, शर्ट देखो, ये जोकर लग रहा पूरा। स्मार्ट लग रहा है क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शर्ट मुझे पसंद आती है, ये मैं इसे लेने वाला हूं। सुन अभी मैं तेरे को टी शर्ट देता हूँ, पर नहीं लाया हूँ मैं, वो तू ले जाना और ये मैं रखूंगा। भाई सच में ये मैं पहनूंगा, देखना ये मैं आप लोगों को कहता हूँ मैं इससे धूंगा और ये मुझे देगा। तो मैंने वीडियो में कह दिया कि इस शर्ट को मैं पहनने वाला हूँ दशहरे में। क्या बोल रहा है? दे दूंगा मैं आपको, जान जाननी चाहिए मुझे। 100% ले लो अभी, उतारो। हाँ उतार उतार उतार। आपके बाल मेरी तरह क्यों? तेरे बाल मेरी तरह हुआ है। तो गाइस अपना लंच चल रहा है, अभी लंच करेंगे उसके बाद आराम करेंगे उसके बाद फिर काम करेंगे। लाइक मी, मैं इतना मेहनत, ये कह रहा है लाइक मी, मेरी तरह नहीं, मुझे पसंद तरह मेहनत। तो गाइस आज बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है, मैं वहाँ से ढालपुर से आया और लंच करने बैठा था तो वैसे ही निखिल वगैरह आ गए, फिर निखिल वगैरह के साथ कुछ देर बैठा, फिर 3 बज गए और 3 बजे के बाद तो आपको पता है भाई अपना काम करना ज़रूरी है। तो भी भाई कुछ ऑर्डर करवा रहा हूँ और उधर अपने एक भाई कर रहे हैं लेग्स का वर्कआउट। क्या कह रहे हैं सर आप? सर क्या कह रहे हैं? वो वाला बिसेप चेक करो। सर आप कहाँ चुप रहे हैं? आज आज हम सब की भाई क्लास लगने वाली है, क्लास नहीं लगने वाली है, हमारी सैटरडे की रूटीन रहती है। आ जाओ जिम, आ जाओ जिम, आ रहे हो ना? हाँ आ जाओ, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता है। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अब इतनी थकावट हो गई है भाई साहब, हालत ख़राब है, अंश भी थक चुका है, मैं भी थका हूँ, उस्ताद जी थके थे वो घर चले गए, वो कहते मैं नहीं रुकने वाला हूँ आज, तुमने ज़्यादा काम करवा दिया। तो चलो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी थी सो सॉरी, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता था आपको पूरी डिटेल में बताना था, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अंश TV स्पेलिंग बता दो, ANSH TV कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, भाई को फुल सपोर्ट करना है क्योंकि देखो इनके बिना जिम नहीं चल सकता भाई, इनकी सपोर्ट से चल रहा है पूरा, नहीं प्यार है आपका। तो चलो फटाफट सब्सक्राइब करो क्योंकि अंश ने मुझे मंडे को बताना चाहिए भाई 100 सब्सक्राइबर आ गए। बाय गाइस, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए।